हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मंजिस फूड मैजिक में आपका स्वागत है। आज मैं स्टफ्ड कंटोला की सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनती है ये सब्जी। देखिए दोस्तों, देखने में जितना ही टेस्टी है उतना हेल्दी भी है ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टफ्ड कंटोला बनाने के लिए देखिए, कंटोला लिए हैं, कंटोला को अच्छी तरह से धो लिए हैं, धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं। देखिए, इसका साइड वाला निकाल देंगे दोनों साइड से। अभी से चम्मच की सहायता से इसका अंदर का जितना बीज होगा सब निकाल लेंगे। देखिए, इसे अंदर से पूरा खाली कर लिए हैं। इसी तरह से सारे कंटोला का अंदर से बीज निकाल लेंगे। देखिए, एक और करके दिखाते हैं आपको। चम्मच से हमें सारे बीज निकाल लेना है। देखिए, सारे कंटोला का बीज निकाल लिए हैं। देखिए, दूसरे साइड से जुड़ा हुआ रहने देना है, नहीं तो सारे मसाले निकल जाएंगे बाहर। चलिए, स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं। अब इसमें आधा चम्मच पंचफोरन डालेंगे। पंचफोरन पांच मसालों से मिलकर बना रहता है। दो बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन फ्राई हो गया है। अब इसमें कंटोला से जो निकाले हैं बीज सब, ये सब डाल देंगे। इसे प्याज के साथ ही फ्राई कर लेंगे। अब इसमें दो कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। नमक डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाएगी। टमाटर गल गया है। अब इसमें अदरक लहसुन क्रश किया हुआ डाल देंगे। थोड़ी देर तक अदरक लहसुन को भूनेंगे, इसका कच्चा स्वाद निकाल लेना है। अदरक लहसुन भी भून गया है। अब इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। धनिया पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, तीन चम्मच रोस्टेड पीनट पाउडर है, इसे भी डाल लेते हैं। सभी मसाले को एक साथ मिक्स करके भून लेंगे। देखिए, मसाले जले नहीं, इसलिए ज़्यादा नहीं, दो बूंद पानी डालेंगे। इसे मसाले जलेगी नहीं और अच्छी तरह से भून जाएगा। देखिए, मसाला भून गया है। अब इसमें आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब मसाले को कंटोला में भर देंगे। देखिए, हमें इस तरह से एक चम्मच निकालना है, इसके अंदर भर देना है। देखिए, इस तरह से हमें दबा दबा कर भर देना है। इसी तरह से सारे कंटोला में स्टफिंग कर लेंगे। सारे कंटोला में देखिए मसाले भर लिए हैं, एकदम अच्छी तरह से इसे दबा दबा कर भर लिए हैं। देखिए, तेल गर्म हो गया है। अब सारे कंटोला को इसमें डाल देंगे। देखिए, इस तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए, एक साइड से बंद है तो मसाले इसे बाहर नहीं निकले हैं। इसे मीडियम आंच पर ढक कर पकाएंगे।
सारे कंटोला को पलट लेंगे। हमें इसी तरह से उलट पलट कर फ्राई कर लेना है। ठीक है, फिर से ढक देंगे। इसी तरह से ढक ढक कर पकाना है। जब हल्का सा नमक लिए हैं ऊपर से छीट देंगे ताकि ऊपर से भी इसका परत एकदम अच्छी तरह से गल जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा। नमक एकदम हल्का नहीं डालना है क्योंकि मसाले में नमक डाले हैं। कंटोला फ्राई हो गया है। आप सूखा खाना चाहते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं। इसमें बचा हुआ मसाला इसमें डाल देंगे। अलग से मसाले आपको बनाने नहीं पड़ेंगे। देखिए इसमें जो बचा हुआ मसाला है उसको डाल देंगे इसमें। अब इसमें पानी डाल देंगे। ढक कर पकाएंगे। दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं, कंटोला की सब्जी बन गई। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनी है। ये हेल्दी के साथ टेस्टी भी बहुत होता है। स्टफिंग वाली कंटोला की सब्जी बनकर तैयार हो गई। दोस्तों आप भी एक बार बनाएं स्टफ कंटोला की सब्जी, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। मिलते हैं अगले वीडियो में।